ये बाज गुप्ता सर को कर देंगे हलाल ये। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ शीतल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से नमस्कार। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ नया ट्राई, कुछ एक्साइटिंग सा ट्राई। तो मेरे सर हैं, उनके बालों की कर देंगे आज कटाई। तो इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो शूट कर रहा हूँ कटिंग के ऊपर, जिनमें हमने अपने सर की कटिंग करी है खुद भी, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बार-बार अवेलेबल नहीं रह रहे हैं। तो हम आज करने जा रहे हैं कुछ एक्साइटिंग सा ट्राई। तो फर्स्ट टाइम हम भी ट्राई कर रहे हैं घर पर, तो प्यार दें हमारी इस वीडियो को। और आईडी की वीडियो भी थोड़ी मुश्किल है, तो थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि जैसे कि आप समझ सकते हैं लॉकडाउन चल रहा है। तो जो भी अभी तक भाई हमसे जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सपोर्ट करना बिल्कुल फ्री है। और जो अभी तक नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन में सपोर्ट मिलता है। और चलते हैं वीडियो में करने कुछ नया ट्राई। ये बाज गुप्ता सर को कर देंगे हलाल ये। दो महीने से सारे लॉकडाउन को हो गए हैं। हाँ, बहुत से पहले बनवाया था मैंने, फरवरी में, होली से पहले। अभी छोटे बड़े का बता देना कितने रखना आपने। तो अपने हिसाब से एक, मतलब जब आदमी सोचे है ना, क्या नहीं कर सकता या नहीं, तो टेक्निकल आदमी यार। तो बहुजी बच्चों की ड्राइंगें बनाया करता था ना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी किसी टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो बच्चों की बनाया करता ना, ये कहते थे कौन बनाता है तुम्हारी ड्राइंग, मतलब इनकी मेम पे भी नहीं बनती थी इतनी बड़ी ड्राइंग। कहते थे पता नहीं तुम्हें तो वो चीज सिखाई नहीं, जैसे कोई चीज रखी ना सामने, उसको पेंसिल से इतना नाप के ना, जितना नाप मॉडलिंग उस हिसाब से बना दो। और वहां देख के जाओ, यहाँ चलते चले जाओ लाइट लाइट करके, फिर बाद में उसे डार्क कर दो। उसके प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ लेने पड़ते हैं। हाँ, कि लेंथ में इतना ऊपर है, हाइट में इतना है। दसवीं क्लास में हमारे पता क्या बनने आया था बोर्ड में, सरफ, और सरफ सरफ का डब्बा नहीं होता था इतना बड़ा, और उसके आगे मक्का। अच्छा। हाँ। और एक कमरे में ऐसे गोल करके बंदे बैठाए थे, एक वहां इतनी दूरी पे, इस लेंथ पे बनना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो उस पे जैसे ये लिया, उससे पेंसिल से इतना ले लिया, तो सारा फिर उसी रेंज में लेना है सब कुछ। खान पीन बिगड़ गए ना भाई, पहले खान पीन के आते सर, लस्सी पीनी सुबह, गुड़ के डाल चढ़ा, रोटी में घी इतना, मक्खन नैनी घी। अब तो कहाँ मक्खन, अब तो बंदे तो आजकल बर्गर पिज्जे भी हो गए, रोटी तो खाते नहीं। मैं तुझे एक, तू हैरान हो जाएगा कि ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, क्या हुआ? एक चीज आज तक की मैंने मैगी आज तक पूरी नहीं खाई। पिताजी वो सोने की सीढ़ी चढ़े हैं, तुम्हारे यहाँ बोलते हैं ऐसे नहीं? सोने की सीढ़ी मतलब पढ़ देखा है? हाँ, जो मतलब चौथी पीढ़ी आ जाती है ना, मेरी नानी जी, मेरी दादी की मम्मी हमें देख के डेथ हुई उनकी, सोचो मेरी दादी जी की मम्मी। मम्मी तो तुम्हारी चौथी होगी, तो वो सोने की सीढ़ी चढ़ी होगी। हाँ, चौथी होगी ना, वो उनकी एज लगभग 110 से ऊपर थी। नहीं, चौथी की हुई, तीसरी हुई ना तुम तो। हम तीसरी कैसे हुए, मेरे सबसे पहले मेरी वही,
तेरे पिताजी, मेरी दादी जी। अच्छा तेरी दादी की मम्मी, मम्मी हाँ। तो चौथी होगी और सुनने की सीढ़ी चढ़ो। तसल्ली से कर, तुझे तेरा मन कर रहा चीज़ है तभी ऑटोमेटिकली सही बने या नहीं। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही कर रहे हैं। कई दफे जैसे फैक्ट्री में बंदा काम कर रहा ना, है ना, उसे छेड़ो जाओ ना ऐसे कर वो गलत कर दे, और उसे छोड़ दो ना कर वो सही करके करते है। ये गलत कह रहा हूँ? फाइनली कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स, और आप भी अपने बुजुर्गों की हेल्प करें जो भी आपके आस पड़ोस में है, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ है। ये देख लें कटिंग पूरी ओके कंडीशन में है, पीछे से भी दिखा दो थोड़ा सा, ये देख लो। तो आप भी अपने बुजुर्गों की हेल्प करें, आपको अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अपना काम स्वयं कर लें। हमारे पीएम जी भी यही बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने, तो यहीं से हमारी शुरुआत है। तो जुड़े रहें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप भी अपने बुजुर्गों की हेल्प करें। जय हिंद जय भारत।